बेटा जी आपके अगले ही कुछ समय पे आ, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होंगे आपका एग्जाम होगा अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए किस किस चीज से आपको फायदे मिल सकते हैं किस किस कोटे में आपको एग्जाम भरना चाहिए बहुत लोगों को सिलेबस पता नहीं होता फॉर्म कब आने वाले ऐसे हजारों सवाल का जवाब है ये वीडियो एवरीवन hey नमस्कार योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनट पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं देखो बेटा जी आपके अगले ही कुछ समय पर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होंगे आपका एग्जाम होगा ऐसे में बहुत सारे बच्चों को कुछ सिली सिली मिस्टेक्स अपन करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े एक बड़े ब्लेंडर मिस्टेक भी हम कई बार कर सकते हैं और वो छोटे मिस्टेक की वजह से एक बड़ा मिस्टेक निकल कर आता है समझ रहे हैं बात को इसलिए अपने आप को इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए मैं आज आपको बताता हूँ कि नीट के लिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या

जो बच्चे सिर्फ एमबीबीएस करने के लिए नहीं बीडीएस यूनानी फिजियोथेरेपी नेचुरोपैथी इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट इसमें जितने भी डॉक्टर बनने के डिग्रियां हैं उन सभी डिग्रियों को नीट के द्वारा ही दिया जाता है इस एग्जाम में 2023 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं आइए वन बाय वन वन बाय वन हम समझते हैं ताकि इस बार 2023 में हम एक भी मिस्टेक ना करें और अपने आप को सर्व तरीके से सबसे बढ़िया तरीके से हम एग्जाम में अपने आप को अपीयर करें स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहली बात यह है कि भाई साहब नीट का अभी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है एक बात पता चली है और वो ये है कि एग्जाम जो है सात मे को होगा सबसे पहली बात एग्जाम का नाम नीट है नीट का फुल फॉर्म क्या है ये जान लीजिए आप लोग यहां पर National Income Trust लिखा हुआ है। है? है 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 है, कौन करता है? करता बेटा ठीक का है, पूरे भारत में एक साथ होता है विश्व के और भी बहुत सारे देश के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम किन किन कोर्स के लिए होता है बेटा एमबीबीएस B.S.M.S. एस मतलब डेंटिस्ट ठीक है उसके बाद B.M.S. आयुर्वेद हो गया इसके अलावा यूनानी उसके बाद नेचुरोपैथी ठीक है इसके बाद होम्योपैथी नर्सिंग के लिए भी होता है नर्सिंग के लिए भी कुछ आ, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है इसके नर्सिंग के भी एग्जाम नर्सिंग के भी एंट्रेंस जो है इसी के थ्रू हो जाता है इसके अलावा यहां पर जो सीट भरी जाती है नीट के थ्रू वो ऑल इंडिया में कोटा के कोटा वाले और जो स्टेट कोटा है उनके लिए भी भरा जाता है ये एग्जाम ऑफलाइन होता है आप इसे कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, आप ऑफलाइन जाकर गोला भरने का काम करते हैं ये एक बेसिक जानकारी है जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके बारे में अपन को पता क्या है परीक्षा की तिथियां परीक्षा की तिथियां जो होती है हम इवेंट्स बना देते हैं आवेदन पत्र फरवरी और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह के बीच में ये फॉर्म आ ही जाएगा फरवरी 2023 में डन है कि आएगा और आई थिंक बहुत जल्द ही हम अब आप तक वीडियो जब तक ये पहुंच रही होगी उसके कुछ दिनों के भीतर ही आपको ये प्रॉपर अपडेट में दे रहा हूँ कि फॉर्म आ चुका है आवेदन पत्र जो आएगा उसकी जमा करने की तिथि एक महीने के समय मिलता है जब भी फॉर्म आएगा उससे एक महीना आपको समय मिलेगा

आप अपना पिताजी का नाम गलत नहीं कर सकते कुछ चीजें हैं जो एकदम सटीक होती है तो उन पे आप चेंज नहीं कर सकते ये आपको कुछ कुछ चीजों पे विंडो मिलती है खिड़की खुलती है पूरा घर दरवाजा नहीं खुल जाता कुछ विंडो खिलती है कुछ खास चीजों में आप बदलाव कर सकते हैं सबसे पहली बात प्रवेश पत्र अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा क्योंकि मई में, में एग्जाम है तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपके पास वो फॉर्म जमा हो मतलब आपके पास एडमिट एडमिट कार्ड आ चुका होगा एक चीज जो फिक्स है वो है सेवन मई दो हजार मई दो को आपका एग्जाम है यह बात एकदम कंठस्थ है कि पक्का ही होगा आंसर जो है मई के ही समय पे आपके पास आ जाएगा आंसर पता चल जाएगा आपने क्या सही कहा है क्या गलत कहा है कौन सा आंसर के लिए क्या आंसर सही है गलत है परीक्षा फल जून के पहले सप्ताह में ही आ जाएगा मतलब जस्ट एक महीने बाद आपके पास जो है ये रिजल्ट भी होगा रिजल्ट के बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जून के दूसरे सप्ताह में और ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी मतलब आपके एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको सीट कहां पर मिलेगी क्या आप फॉलो अप हो गए हैं क्या आपको सीट मिलेगी हाँ या ना ये सभी जानकारी भी मिल जाएगी ओके अब किसी भी एग्जाम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ में रहना है किन किन डॉक्यूमेंट की आपके पास पहले से होना चाहिए ऐसा ना हो कि अंत के समय पे आप हड़बड़ी में कुछ गलतियां कर जाएं इसलिए पहले से जानकारी रखिए कि आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है सबसे पहले डॉक्यूमेंट में बेटा पासपोर्ट की फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट फोटो जो होती है उसके लिए याद रखना है कि लेटेस्ट फोटो एकदम नई फोटो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड अगर आपको ये लाइन दिखाई ना दे रही हो तो मैं बोल रहा हूं व्हाइट बैकग्राउंड में कई सारे बच्चे नीले बैकग्राउंड किसी भी बैकग्राउंड में लाल बैकग्राउंड में खिंचा लेते हैं सफेद बैकग्राउंड में ही

है उसमें उसमें तुमको जो है वो कोई सिर्फ और सिर्फ और अपना परसेंट फेस दिखाना है क्लियर वो भी विजिबल एकदम प्यारा सा ना चश्मा लगाए ना कोई टीका फीका जो जो भी जो भी चीज आपको लगानी है कान कुंडल कुंडल जो भी पहनते हो सब चीज हटा के सिर्फ फेस को आपको रिप्रेजेंट बढ़िया से करने का है ठीक है इसके लिए आपको वैसे तो फोटो आप जब खिंचाएंगे तो आप हार्ड कॉपी तो लेंगे साथ ही साथ एक सॉफ्ट कॉपी भी ले लेना तो अपने जो भी फोटोग्राफर होगा आपका जो खींचेगा उसे कहना भाई कि टेन के बी से दो सौ के बी की फोटो बना दो वो भी जेपीजे फॉर्मेट में रहना इसका साइज का बड़ा फर्क पड़ता है साइज का फोटो ही लेना ताकि जब आप किसी खुद से भरो या फिर किसी से फिल करवाने जाओगे जो भी ऑनलाइन सेंटर वाले होते हैं उनसे भरवाने जाओगे तो भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी पोस्ट कार्ड साइज फोटो ये वही फोटो उसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में भी मिल जाती है उसको है. पोस्ट कार्ड कहते हैं पासपोर्ट छोटा थोड़ा सा बड़ा साइज होता है ये भी लेटेस्ट होनी चाहिए और इसके बारे में तो कहानी ये भाई कि ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर दो हजार इक्कीस के बाद की होनी चाहिए बीस इक्कीस सितंबर 2021 के बाद की फोटो होनी चाहिए ठीक तो है बाद चाहिए. उसके बाद जो तो होता है फोटो होना चाहिए बड़ा फोटो होना चाहिए ठीक है सिग्नेचर जो है सिग्नेचर लेना है ब्लैक पेन पे ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं बट ब्लैक पेन ही यूज करें और व्हाइट बैकग्राउंड यूज करना है व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक पेन यूज करना है और कैपिटल लेटर्स में बढ़िया जो स्टूडेंट मतलब आपका कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए साइन ऐसा नहीं कि पूरा कई लोग होता है नाम लिखने की जगह पूरा नाम लिख के रख दिए मतलब मेरा नाम मान लो गुड्डू है तो गुड जी यू डबल डी यू बड़ा कैपिटल लेटर लिख के लाइन खींच दे ऐसा नहीं आपको थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना अपनी कलाकृति लगानी है यह भी जो है फोर केबी जो है थर्टी के बी का होना चाहिए जेपीजे फॉर्मेट में ये भी प्रेजेंट होना चाहिए इसके अलावा लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन आपको यूज करना है कैंडिडेट जो होता है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैन बी यूज ब्लू इंक और व्हाइट पेपर जो होता है व्हाइट पेपर होना चाहिए ब्लू इंक होना चाहिए थम्पेड में बढ़िया से लगाएंगे ये भी टेन टू टू का ही इसका साइज होना चाहिए क्लास टेंथ की जो पास की सर्टिफाइड कॉपी है स्कैन कॉपी होनी चाहिए वो ऑनलाइन वाले कर लेंगे आपसे फिफ्टी के बी से थ्री हंड्रेड के बी का ये भी होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी कौन सी कैटेगरी है क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो कैटेगरी का बहुत बड़ा रोला होता है तो इसलिए आप एस सी है एस टी है ओ बी है ई एस से ई एस समझ रहे हैं कुछ गरीब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं पर गरीब होते हैं उन्हें ईडब्लू एस कैटेगरी कहा जाता है ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी निकल कर आई है जिसमें आपको कोटा मिलता है और बहुत फायदे मिलते हैं इसके अलावा पीडब्लू डी सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकल हैंडीकैप जनरली होते हैं तो आपको भी सर्टिफाइड रहना होगा

एग्जाम को देते हैं तो वो लोग भी सिटीजनशिप जो है वो दिखाएंगे अपनी इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में वो कौन सी बात है जो आपको जानी रहनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तो ये आवेदन पत्र जो ऑनलाइन माध्यम से ही आपके पास में पहुंचेगा फरवरी 2023 में आवेदन आएगा और हम आपको बताएंगे कि कब वो फॉर्म आएगा और कैसे फिल करना है अभी फिलहाल कहानियां मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं कौन कौन से चीजों को यूज करना है ये पता लगा सकते हैं सुधार के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई है अगर आप गलती से कोई छोटी मोटी गलती कर डालें तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं सुधार जैसे आपका नाम हो गया डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं करिएगा कुछ चीजों पे खासकर बदलाव नहीं होता है इसलिए बहुत देख सुन के बहुत ध्यान से सर्टिफिकेट वाले तरीके से ऐसा नहीं कि मेरा बर्थडे जो है मेरी माँ कह रही थी कि बारह को है और पिताजी कह रहे थे तेरह को है तो तुम लिखवा दो चौदह को ऐसा नहीं जो एग्जाम में लिखा हुआ है सॉरी तुम्हारे टेंथ की सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही यूज करना बस ठीक है मतलब आप लोग को लग रहा होगा ये बहुत बकवास सी बात कह दी मैंने कि ये गलती नहीं होती पर यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे इस बात की गलती करते हैं ये गलती करते हैं अपने नाम को लिखाने में कई बार गलती कर देते हैं आपका एक मिस्टेक और आपकी सारी चीजें कंप्लीट खत्म हो जाएंगी तो इसलिए अपने आप को एकदम वेल well सेटल्ड तरीके से ही स्टार्ट करना कि ये चीज तुम्हें करनी ही है और यही तुम्हें पता होना चाहिए कि यही लिखना है और वही लिखेंगे इसके अलावा मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह तक आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं इसका प्रिंट आउट ले लें सभी लोग ताकि आपको पता चल सके कि आपने ये फॉर्म फिल किया था अगली कहानी आवेदन शुल्क जो होता है सबके लिए अलग अलग आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई या फिर जो भी फॉर्म फिल कर रहा होगा उसको आप कैश देकर भी करवा सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए इसकी फीस है यानी जो भी गरीब है लोग हैं या फिर ओबीसी वर्ग के हैं उनके लिए पंद्रह सौ रखा गया है एस टी एस सी पीडब्ल्यू डी ट्रांसजेंडर जो भी होते हैं इनके लिए नौ सौ रुपए रखा गया है भारत के बाहर के छात्र जो है इसके लिए आठ हजार पांच सौ रुपए पे करेंगे अगर आप भारत से बाहर के हैं मुबारक हो आप भारत में रहते हैं बहुत कम पैसे पे करने पड़ेंगे आपको एलिजिबिलिटी क्या है क्या क्राइटेरिया है राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए अगर आप एनआरआई हैं मतलब भारत के लोग जो बाहर के विश्व की नागरिकता ले लेते हैं उन्हें एनआरआई कहते हैं ओसीआई पीआईओ विदेशी नागरिक इन सभी परीक्षा के लिए सभी लोग योग्य होंगे अलग अलग तरीके से योग्य होते हैं जिन छात्रों ने बारहवीं परीक्षा पास कर ली है वो बिल्कुल आवेदन करने के योग्य होंगे या फिर आप एग्जाम दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बोर्ड के हो सकता है अप्रैल में एग्जाम हो मार्च में एग्जाम हो तो आप फॉर्म आए तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए आप एडमिट कार्ड की सहायता से फिल कर सकते हैं जब काउंसिलिंग होगी तो आप रिजल्ट में बैठ जाए इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक हैं, जैव अंग्रेजी विषय में पास होना जो है श्रेणी के लिए 40 परसेंट अंग जो होता है SC, ST, SC, OBC इन सब के लिए चाहिए। और 45 परसेंट जो है फिजिकल के लिए जरूरी है कम से कम अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो नीट के देने वाले बच्चों की जो न्यूनतम आई है वो सत्रह वर्ष है इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है अब ये फिक्स है कि अगर आप सत्रह वर्ष क्रॉस कर चुके हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी विषयों में पास होना बहुत जरूरी है आप जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी ले ही क्योंकि आप बायो के भी हो सकते हैं मैथ्स के भी हो सकते हैं इसलिए भौतिक रसायन जीव विज्ञान और अंग्रेजी में एक साथ छात्रों को ठीक है 45 परसेंट जो होता है कम से कम होना चाहिए 45 परसेंट और 40 परसेंट जो है ओबीसी एस टी एस सी के अंक प्राप्त करने होंगे जो भी बच्चा अभी बारहवीं की परीक्षा पास कर चुका है या करने वाला है बारहवीं में पढ़ रहा है तो भी वो आवेदन करने योग्य है ये आवेदन कर सकता है जबकि नीट दो में याद रखना पास होना अनिवार्य होगा अब एग्जाम पैटर्न कैसा होगा तीन घंटे बीस मिनट का ये एग्जाम होगा ऑफलाइन मेथड होगा पेन पेपर पर पे लिखा हुआ होगा तेरह भाषाओं में होगा अंग्रेजी कन्नड़ बंगाली गुजराती तमिल मराठी आसामी उड़िया तेलुगु उर्दू तेलुगू और उर्दू में भी होगा अगर आप जैसे कॉम अंग्रेजी कॉमन भाषा होगी बाकी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में आप मिल सकती है आप कोई भी यूज कर सकते हैं सात अंकों का पेपर होगा ये दो सेक्शन पे होगा एक सेक्शन आपको कंपल्सरी फॉलो करना ही होगा ठीक है सेक्शन वन सेक्शन बी सेक्शन वन में पैंतीस प्रश्न होंगे आपको ये करना ही होगा सेक्शन बी में पंद्रह प्रश्न होंगे जिसमें से कोई दस ही आपको यूज करना है पांच आप छोड़ भी सकते हैं कुल मिलाकर पैंतालीस क्वेश्चन आपको करने होंगे अंक योजना सबके लिए चार नंबर आपको मिलेंगे और अगर आप गलत करते हैं तो माइनस वन अंक कार्ड भी लिया जाएगा आपसे इसके सेक्षयन वन, सेक्षयन टू लेकिन इसे दो सेक्शन में बांट दिया गया है ये पहला सेक्शन क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे अगला सेक्शन जो पंद्रह का है उसमें से आपको दस बनाना है तो पैंतालीस पैंतीस और इसमें से दस जो है कुल मिलाकर जो है आपके पास में एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा शुरू के पहला सेक्शन याद रखना 35 के 35 क्वेश्चन बनाने हैं दूसरा सेक्शन में 15 में से 10 बनाने पांच नंबर आप पांच प्रश्न आप छोड़ सकते हैं यह ऐसा फिजिक्स में भी होगा केमिस्ट्री में भी होगा बॉटनी में भी होगा जुलॉजी में भी होगा हर मार्क्स के चार नंबर मिलेंगे और हर मार्क्स अगर गलत होगा तो एक नंबर कट जाएगा कट ऑफ कितना जाना चाहिए जनरल ओबीसी और एस टी का जो कट ऑफ जनरली है अगर आप नीट 2023 का अपेक्षित कट ऑफ आप देखना चाहें तो 640 से 650 अंक तक जा सकता है 640 से 650 अंक तक आपको लाने होंगे सिलेक्शन के लिए यही आप खैर लेकिन अलग अलग बहुत सारे मानदंड पर यह निर्भर करता है अलग अलग स्तर है कि कठिनाई कितना है पेपर अगर कठिन आया तो अलग इस हो सकता है और सीट अलग हो सकती है प्राप्त अंक कितने हैं इन सब चीजों पर निर्भर करता है इसलिए कट ऑफ की कोई फिक्स अभी बात नहीं है अब फिक्स अपन कर लेंगे इसके अलावा आप जो इतना सारा तैयारी कर रहे हैं आपको इस तैयारी में चाहिए जोर अगर आप नीट के बारे में यहां पे जान चुके हैं तो इस नीट की सारी जानकारी के लिए और अब ये तो वो बातें हुई जो फॉर्म फिल करने के लिए लेकिन इन फॉर्म फिल करने के अलावा फॉर्म हमारे भारत में हर साल 18 लाख बच्चे करते हैं सिलेक्शन मात्र कुछ जो है तीस चालीस हजार लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में और बाकी लोगों का प्राइवेट कॉलेज में मतलब कुल मिलाकर साठ सत्तर हजार बच्चे ही है जो नीट कर पाते हैं बाकी के बच्चे जो सत्रह लाख दस हजार बीस हजार बच्चे हैं वो सिलेक्शन नहीं होते हैं वो किसी और जगह पे जाकर कुछ ना कुछ कर रहे होते और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते रीजन ये है कि सही तरीके से पढ़ाई और और गाइडेंस का ना होना पर आपके आपके पास ऐसी कोई कमी नहीं होगी। हम और हमारी टीम दो मतलब हजार वैसे है निन्यानवे की पर आपको मिलेगी 1999 में, कब तक तेरह तक तेरह फरवरी तक ऑन है जीरो

ये भी सोच रहे होंगे सर अभी हमने बारहवीं किया है बहुत कुछ आता जाता नहीं है करना तो है नीट करना है नर्सिंग करना है फॉर्मेसी करना है पर हमें पता कुछ नहीं है तो आपके लिए एक और प्रोग्राम है या बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर अभी हम इलेवंथ में हैं हम अगले साल एग्जाम देंगे तो ऐसे बच्चों के लिए जो इस साल अभी ट्वेल्थ में गए हैं या फिर ट्वेल्थ के बाद अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए एक और प्लान है हमारे पास कि अगले साल की भी तैयारी अभी से शुरू कर दो नीट दो हजार चौबीस सुम्मीद बैच इसका नाम है नौ रुपए की बैच है आप

दुनिया का या भारत का सबसे अच्छा एग्जाम जिसमें आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं जुड़िए हमसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि नीट के एग्जाम में वो कौन कौन से मानदंड हैं जिन्हें उन्हें अपनाना है और उन्हें यूज करना है थैंक यू सो मच अपना बहुत ध्यान रखें